ओरिजिनल होस्ट रचित पंगाल। आज हमारे व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि आप सब हेल्दी हो, फिट हो ना, और खुश रहो। अब व्लॉग देखते हैं आगे। आज के व्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि थोर की वैक्सीन करानी है, फर्स्ट रेबीज का इंजेक्शन लगना है उसके, और इसके 6 डेज बाद इसका सेकंड बूस्टर लगना है। तो आज रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो आप पहले नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करके फिर चलते हैं आपा। तो ये ब्रेकफास्ट है आज का। ये है अपने सैंडविच, ये चने हैं और ये जूस है। तो जल्दी जल्दी इसे खत्म करता हूँ और फिर चलते हैं आपा। थोर का वैक्सीनेशन कार्ड मिल गया, मेरा थोर का वैक्सीनेशन कार्ड। तो चलो चलते हैं। हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा मजाक। आज सरकारी छुट्टी थी और हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर है और मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी छुट्टी है तो इनकी भी छुट्टी होगी। और हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे तो अब ट्यूसडे को आएंगे। तो चलो कोई नहीं, व्लॉग तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अब चलते हैं घर वाली साइड और फिर घर जाके कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ करेंगे, दिखाएंगे आपको। आज डे सेकेंड है। जैसे कि कल हम गए थे तो हमारे साथ बहुत बड़ा लोल हो गया था, मजाक हो गया था। हमें ये ध्यान में ही नहीं था कि वहाँ की छुट्टी हो सकती है हॉस्पिटल की। तो हम वहाँ से वापस आए शाम को, फिर वापस बारिश हो गई थी। मौसम ही ऐसा है यहाँ पे। तो आप सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हो, देखो कैसा हुआ है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि भाई थोर के साथ क्या नया करा जाए जो इसके लिए भी अच्छा हो। तो फिर मैंने सोचा कि थोर को स्विमिंग कराते हैं। स्विमिंग आजकल यूट्यूब पे भी कई सारे करा रहे हैं पर वो स्विमिंग इतनी खास हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? छोटे छोटे मतलब मैं जैसे छोटे टब होते हैं ना तो छोटी ब्रीड के लिए तो वो बहुत है, पर जैसे थोर बड़ी ब्रीड है ना तो इसके पैर लग जाएंगे उसमें, इसलिए मैं वो वाला टब तो लेके नहीं आया। तो मैंने नया जुगाड़ निकाला है और वो मेरे पास पड़ा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना स्विमिंग करनी है, एक्सरसाइज ही करनी है इसको, तो उसमें क्यों ना कराया जाए। तो चलो कराते हैं, पहले उसमें पानी भरते हैं और फिर उसमें स्विमिंग कराएंगे थोर को। तो ये रहा थोर। हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इसको करनी है स्विमिंग। तो ये रहा सब जुगाड़। देखो अगर थोर इसमें तैरे भी गा तो भी इतना तो है कि ये तैर सकता है इसमें, और इतना इनफ है कि ये इसमें एक्सरसाइज कर सकता है। अभी तो ये डरा हुआ है, इसमें पहली बार जाएगा इसके अंदर। तो मैं इसमें पानी चला देता हूँ। ये साफ भी है, देख सकते हो आप, पानी बिल्कुल साफ। तो थोर स्विमिंग करेगा? करेगा करेगा। तो मैं अभी टंकी के ऊपर चढ़ा हूँ, देख लूँ कि पानी है या नहीं ऊपर। वो पापा रिश्तेदार को पानी है नहीं। अरे बहुत पानी है, फुल है, फुल। ये टंकी है, ये ऐसे से तो कई सारी भर देंगे, 10-10 तो भरी देंगे। और अब नीचे कहां से उतरू? आ रहा क्या हुआ बता। अच्छा आप बोका करे, कई लोग कहते तो बोलता ही नहीं है, बोलते है थोर, बोलते है। तो ये हमारे साथ एक बड़ा मजाक हो गया वापस से। मैं ये सोच रहा था कि इसको वहां रखूंगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जब ये भर गई अब तो, अब तो हिलने वाली है नहीं, ये टूट जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ही करते थोर को स्विमिंग, यहीं कराएंगे। और ये स्विमिंग नहीं है सिर्फ, ये एक्सरसाइज है। स्विमिंग और बढ़िया चीज में कराएंगे, कोई नहीं, थोड़ा कनेक्टेड रहे। इससे तो एक्सरसाइज करानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एज ऐसी है थोर की कि इस टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लेग्स में डॉग्स के। तो इसलिए थोर को मैं एक्सरसाइज कराने का बढ़िया जरिया मैंने ढूंढा है ये। तो चलो थोर करेगा एक्सरसाइज, ठंड तो पूरा करता है अभी। इसको पता है, इस टाइम इसको पता है कि कुछ नया होने वाला है इसके साथ। थोर
सुंदर बहुत है मेरे कुत्ता। और ये वाइट थोड़े से बाल है और ये आ जाते हैं, किसी भी रॉटवाइलर के ब्रीडर से पूछोगे ना आप तो वो नहीं लाते इसे, आ जाते हैं बाल, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या पता ये जब इसकी अभी इसके बाल जैसे बड़े बड़े ये वाले, तो ये सारा कोट शेड होना है, क्या पता ये तब गिर जाए, और अगर नहीं भी गिरते ना तो भी बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं है आपकी एक वाइट स्पॉट पे आप एक डॉग को यूं जज करो कि ये अच्छी ब्रीड है या नहीं है या इसकी एनाटॉमी खराब है, पूरी सिस्टम भी देखा जाता है ना सर, बता दे। तो भाई थोर पहली बार जा रहा है, यही चाहिए था थोर, ऐसे ही पैर हिला अगर एक्सरसाइज सही होगी तेरी। ये देखो देखो अभी पैर हिला रहा है, हाँ नहीं आगे नहीं पैर, ये थोड़ा साइज छोटा हो गया ना इसलिए आगे पैर रख रहे हैं, बाकी इसकी एक्सरसाइज सही हो रही है देखो। चलो अच्छी बात है ये ना। थोर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये इसकी एक एक्सरसाइज है, ये जरूरी है ये इसके लिए, थोर के लिए, जो इसकी टांगे है ना वो मजबूत रहेंगी, इससे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रॉटवाइलर्स को तो वैसे भी स्विमिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, ये आप चाहे गूगल करके देख सकते हो, इनको तो बहुत ज्यादा पसंद होती है। और इनके इनका जो शरीर भारी हो जाता है ना तो उसके लिए इनकी लेग्स पे ज्यादा बोझ डलता है, तो यहाँ पे पानी में इनका शरीर इतना भारी रहता नहीं, तो इस वजह से ना ये फील नहीं होता, भारी तो होता ही है, तो इनकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो जाती है। तो थोर को आज से मैं रोज कराया करूंगा, ऐसे रोज नहीं तो दो दिन छोड़ के तीन दिन छोड़ के, जैसे मौसम को देख के जिस दिन ज्यादा गर्मी हो उस दिन करा देंगे। ठीक है थोर, ठीक है बेटे, थोड़ा पानी और भरते हैं इसके ताकि और बढ़िया एक्सरसाइज करे, पानी तो खराब कर ही दिया अब हमने। और ये तंग नहीं हो रहा, कई लोग कहेंगे इसके साथ जाती हो रही है, ये हो रही है, ये इसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और ये जरूरी है। हमारे पास इतने वो नहीं है कि हम एक बड़ी कैनाल में लेके जाएं, वो हम गांव में जब जाएंगे, अभी कोविड चल रहा है इस चक्कर में मैं गांव में नहीं जा रहा, फिर जब कोविड मतलब कोविड पेंडेमिक थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ठीक हो रहा है तो तब मैं गांव में लेके जाऊंगा, तब इसको फिर वहां पे भी स्विमिंग कराएंगे। और सही है, बाकी फिश पॉन्ड तो आ रहा है, काम चल रहा है उसके ऊपर, जल्दी आएगा, तो कोशिश करते हैं कि अब तो उसमें भी कुदा दे थोर को। पर जब फिश ना हो, ठीक है सर। हमारा मेन मोटिव क्या है कि इसकी टांगों की एक्सरसाइज हो, और जो ये कर रहा है ना, कर रहा बेटे तू, ये देखो, ये देखना, ये देखो पिछली भी, हाँ। और इससे ना इसकी सही कैलोरीज बर्न होगी, एनर्जी बर्न होगी, और इसकी ग्रोथ में और प्रोग्रेस होगी। क्या हुआ बेटे, क्यों हुआ, इसको फील हो रहा है पानी में। देखो तो भाई थोर की भी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, अभी से निकलता हूँ मैं इसमें से। और थोर बाय कर दे तू सबको, पहले तो तू कर दे फिर मैं एंडिंग करता हूँ, बाय बाय, एक सेकंड, बाय बाय। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको एक दो बातें कि मेरी व्लॉग्स और वीडियोस कैसे आएंगी। जो अपने व्लॉग्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा दो दिन में एक तो जरूर डालूं, और आगे आगे अगर तुम रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा दोगे तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग्स निकलें। डेली व्लॉग्स इतना आसान नहीं है कि हर व्लॉग में आपका इंटरेस्ट बनाए रखना, तो पर मैं कोशिश करूंगा कि वैसे बने, पर इसका आप लोगों से मुझे मदद चाहिए, साथ चाहिए आप लोगों का। क्यों चाहिए कि आप लोग ना इसको व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐसे लोगों के पास पहुँचाओ जिनको पेट्स पसंद है, जिनको डॉग्स पसंद है, तो मुझे लगता है कि उनको भी आप व्लॉग्स पसंद आएंगे जैसे आप लोगों को आ रहे हैं, तो इस हिसाब से अपना चैनल भी थोड़ा आगे ग्रोथ करेगा। तो मैं पक्का 101% मेरी प्रॉमिस है कि अपना चैनल ग्रोथ करेगा, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो मैं पक्का आपके लिए डेली व्लॉग्स लाऊंगा, क्योंकि मैं और काम भी करता हूँ, जैसे मैं स्टडी करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा मेरे को सब चीज़ों का टाइम बांटना पड़ता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं अपना कोशिश करूंगा कि अपने डेली व्लॉग्स आए। तो अब इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जिनको चाहिए डेली व्लॉग्स की वीडियो शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करो। तो थोर अगली बार फिर आएंगे अच्छी वीडियो के साथ, इसी के साथ हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय।